बीती देर रात काशीपुर में गंगे बाबा रोड स्थित बड़े गुरुद्वारे के पीछे लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे। इसी बीच गश्त कर रही पुलिस भी वहां पहुंच गई और उत्पात मचा रहे लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन उस शरारती तत्व लोग इतने आक्रोश में थे कि वो पुलिस से उनकी कहासुनी हो गई, जिसमें पार्षद सुरेश सैनी भी मौजूद थे। लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को वहां उत्पात मचा रहे 22 लोगों को कोतवाली लाना पड़ा। कोतवाली लाकर पुलिस ने सभी लोगों का 151 में चालान कर दिया। इसी बात से गुस्साए पार्षद के संग लोग महापौर उषा चौधरी के नेतृत्व में एएसपी कार्यालय आ धमके। उनका कहना है कि जब पुलिस एक जनप्रतिनिधि से इस तरीके का व्यवहार कर सकती है तो एक आम जनता का क्या हाल होगा। इसी को लेकर उन्होंने कटोराताल चौकी के तैनात चौकी इंचार्ज के सस्पेंड करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि मामला उत्पात का है। जिन 22 लोगों को उत्पात मचाने के आरोप में लाया गया उनमें पार्षद नंबर 30 के पार्षद सुरेश सैनी भी थे। उन्होंने पुलिस के साथ कहासुनी की। उन्होंने कहा कि जांच कराई जा रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में इस तरीके से जो हमारे पार्षद बन यहाँ पर आए हुए हैं उनकी एक मांग है कि जो हम उनके जो पार्षद हैं और जो रात को जो भी 22 लोगों को जो लाया गया है, यदि उसमें से वास्तव में कोई दोषी है तो उसको दोष देना चाहिए और पार्षद को जो है छोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनका यह भी कहना है कि इनका जो वैशाली जी हैं, इनका एक कोई भांजा है तो वो सिर्फ बात करने गया था, उसने उसको भी लाया गया है। तो इस तरीके इसी रोष में सभी पार्षदगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल रात 12 से 1 बजे के बीच की घटना है, डेला पुल ईदगाह रोड के पास कुछ लोग वहाँ पर सड़क पर ही शराब पी रहे थे और वहाँ पर उत्पात मचा रहे थे, आपस में मारपीट कर रहे थे। किसी पब्लिक के व्यक्ति द्वारा ये सूचना मिली कि वहाँ पर कुछ लड़के इस तरह से हुड़दंग मचा रहे हैं। वहाँ पर पुलिस मौके पर गई तो देखा वहाँ पर काफ़ी लोग आपस में लड़ रहे थे, जो 20-21 की संख्या में थे, और बाकी अन्य लोगों को भी वो फ़ोन करके बुला रहे थे। संभवतः वो आपस में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर कोई बड़ी घटना हो सकती थी। एक उसमें लाइसेंसी रिवॉल्वर भी एक लड़के के जो है पास से बरामद हुआ है, जिसमें 6 जिंदा कारतूस भी हैं। और इस जब इन लोगों को पुलिस थाने ला रही थी तो तभी वहाँ पर एक पार्षद जी आ गए और वो भी खूब शराब पी हुए थे, उन्होंने भी वहाँ पर पुलिस से बदतमीजी शुरू कर दी।